नमस्कार दोस्तों, मैं सनान शिपो 17 लाइव न्यूज से आज आपको बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट न्यूज देने जा रहा हूँ। फिल्म हड्डी में नवाजुद्दीन का लुक तैयार करने में लग गए थे 6 महीने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म जोगिरा सारारा हाल ही में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नवाज के साथ नेहा शर्मा मुख्य किरदार में नजर आई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब नवाज अपनी अगली फिल्म हड्डी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में वह ट्रांसजेंडर का किरदार निभा रहे हैं। इसमें एक्टर के लुक ने फैंस को काफी प्रभावित किया है। अब फिल्म में नवाज के इस लुक पर प्रोड्यूसर राधिका नंदा ने एक खुलासा किया है। राधिका ने बताया कि फिल्म की टीम को लुक तैयार करने में करीब 6 महीने लग गए थे। वहीं उन्होंने बताया कि नवाज के लिए ये बहुत मुश्किल था क्योंकि साड़ी पहनने में लगभग 30 मिनट और पूरा लुक तैयार करने में लगभग 3 घंटे लग गए थे। राधिका नंदा ने आगे कहा कि नवाज ने जब पहली बार साड़ी पहनी तो वह उसी लुक में घंटों तक शूट करते रहते थे। हमने इस प्रक्रिया में प्रोस्थेटिक्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन विचार ये था कि लुक को जितना हो सके नेचुरल रखा जाए। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। तो भगवत केसरी का टीजर रिलीज हुआ है। नंदमुरी बालकृष्णा ने शनिवार को अपना 63 जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म भगवत केसरी का टीजर लॉन्च किया गया। ये फिल्म की टीम के साथ साथ फैंस के लिए भी एक परफेक्ट ट्रीट है। नंदमुरी ने भी फिल्म के टीजर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। टीजर के रिलीज होते ही ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।